उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद शहर, जिसकी आबादी लगभग 30 लाख से अधिक है और हाउस होल्ड की संख्या लगभग 5 लाख है, और इतनी बड़ी आबादी वाले क्षेत्र में कचरा भी सैकड़ों टन की मात्रा में निकलता है। गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, कंस्ट्रक्शन, मंडी और रेस्टोरेंट से निकलने वाला कूड़ा इतनी बड़ी मात्रा में होता है कि उसका समाधान करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा, ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा, ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का गाड़ी रोज आती है और लगभग टाइम पे इसी टाइम के आसपास आती है और कचरा लेके आती है। सर्विस बढ़िया है, वैसा रोज आती है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। नगर निगम गाजियाबाद में सफाई के सभी कंपोनेंट्स में काम किया जा रहा है और इसी अध्याय में न्यू डोर टू डोर की कैपेक्स मॉडल से इसे एक नई दिशा दी जा रही है और इस कार्य को नेचर ग्रीन कंपनी के द्वारा 200 BS6 CNG आधारित ऑटो टीपर द्वारा किया जा रहा है और नेचर ग्रीन एवं गाजियाबाद नगर निगम के संयुक्त प्रयासों से डोर टू डोर कचरा संग्रहण कार्य को मैनुअल मॉनिटरिंग से हटाकर ऑटो पायलट मोड पर ले जाया जा रहा है, जहां पर डोर टू डोर कार्य की निगरानी सेवा को अधिक महत्व दिया जा रहा है। गाजियाबाद नगर निगम में पहले लगभग 200 गाड़ियों के माध्यम से जो डोर टू डोर कलेक्शन है उसका काम किया जा रहा था, लेकिन लगभग 5 लाख हाउस होल्ड्स इस शहर में हैं, तो जिसमें 200 गाड़ियां जो है पर्याप्त नहीं थी, तो हम लोगों ने अपनी गाड़ियां नई परचेज करने के बजाय एक कैपेक्स मॉडल छोड़ के ओपेक्स मॉडल पे गए और जिसके माध्यम से हम लोगों ने ये टेंडर किया कि जो फर्म इसमें इंटरेस्टेड है वो आए, और सबसे पहले तो कंडीशन ये थी कि नई गाड़ियाँ बिल्कुल वो लेकर हमारे साथ काम शुरू करें, उसमें ड्राइवर भी उनका होगा, उनका मेंटेनेंस, उनका फ्यूल जो CNG बेस्ड है, साथ में एक मोबाइल ऐप उनको कंट्रोल करने के लिए उनके मूवमेंट को, ये सब हमने ओपेक्स मॉडल के माध्यम से लगभग 350 की फ्लीट हमने अपने शहर में जोड़ी। आज के वक्त लगभग 500 की फ्लीट से हम गाजियाबाद नगर निगम में डोर टू डोर कलेक्शन का कार्य हमारे द्वारा किया जा रहा है। इससे ना केवल डोर टू डोर कलेक्शन प्रभावी हुआ है, सेग्रीगेशन भी हमारा काफ़ी अच्छे लेवल पे इस वक्त हो रहा है। वर्तमान में हम लोग एक ड्राइवर, एक हेल्पर और एक NGO के माध्यम से जो सेग्रीगेशन के ऊपर IC एक्टिविटी करता है, इस माध्यम से हम लोग डोर टू डोर कलेक्शन मोबाइल बेस्ड ऐप जियो फेंसिंग के साथ में उसका डैशबोर्ड हमारे पास में है, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हम लोग सेग्रीगेशन के साथ में डोर टू डोर कलेक्शन कर रहे हैं। आने वाले समय में हम बारकोड बेस्ड बैग्स के साथ डोर टू डोर कलेक्शन को और प्रभावी बनाएंगे। इस प्रकार गाजियाबाद नगर निगम प्राइमरी कलेक्शन में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। मैं अरविंद श्रीवास्तव, महाप्रबंधक नेचर ग्रीन। गाजियाबाद नगर निगम में डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है, रेंटेड मॉडल पे CNG व्हीकल्स की, जिसपे रख रखाव का, ईंधन का खर्चा ये कंसेशनर के द्वारा किया जाएगा। साथ ही सिटीजन को बेहतर सुविधा मिल पाए इसके लिए एक ऐप भी लॉन्च किया है, कूड़ा गाड़ी ऐप, जिसको कि सिटीजन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है और अपने वार्ड की गाड़ियों के बारे में पता कर सकता है, अपने सुपरवाइजर से सीधे बात कर सकता है, अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकता है व अपने फीडबैक दे सकता है। साथ एक नई और भी चीज़ की गई है इसमें, जो प्राइवेट रैक पिकर्स हैं उनको अपने साथ जोड़ने की, जो सड़क पे कचरा बीनते थे उनको अपने साथ हमने जोड़ा है एज अ हेल्पर, जिससे कि उनकी जीवन शैली में भी सुधार हो, उनको एक रोज़गार भी मिले।